हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये प्लांट आपको दिख रहा है, इसके बहुत सारे नाम हैं। वैसे तो इसका नाम मधुकामिनी है। इसकी दो तीन वैरायटी आती हैं। एक आता है टेबल टॉप कामिनी, बहुत ही छोटा सा होता है, वो बोनसाई की तरह ही होता है, मतलब नेचुरल बोनसाई होता है। और इसके नाम बहुत सारे हैं, ऑरेंज जैस्मिन, मिनी कामनी और टेबल टॉप कामनी, मधु कामनी, बहुत सारे नाम हैं इसके। कुंती, इसके बहुत सारे नाम हैं। मान्यता ये है कि जैसे अपराजिता और पारिजात स्वर्ग से आए, ऐसे ही तीसरा प्लांट मधु कामनी भी स्वर्ग से आया है। तो इस प्लांट का बहुत महत्व है, हेल्थ के हिसाब से मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी, और वास्तु के हिसाब से भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हेल्थ के हिसाब से अगर इसके जो पत्ते हैं उनको उबाल कर पिया जाए तो पेट का दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा जब इसमें ये स्पेंट हो जाते हैं फ्लावर, तो एक लाल रंग का, जामुन की तरह एक लाल रंग का बीज आता है। अगर उसके बीज का, उसका गुद्दा खाया जाए, उसका जो पल्प है वो खाया जाए, तो बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। और वास्तु के हिसाब से इसमें क्या हमें फ़ायदा है वो हम डिस्कस करेंगे, और इसको मेंटेन कैसे किया जाए वो भी थोड़ा बहुत हम मेन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको, ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, और मॉइस्चर लविंग का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें पानी डाल के ही रखें, कीचड़ सा हो जाने दें। ओवर वाटरिंग से रूट रोट की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और अगर जैसे ये है टेबल टॉप कामिनी है, काफ़ी गुठा हुआ सा होता है, तो इसके अंदर की साइड जो जहाँ धूप नहीं पहुँचती वहाँ पर पत्ते पीला होना शुरू कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दी जाए पत्तों की, तो अंदर की साइड तक सनलाइट जाएगी तो अंदर तक भी पत्ते हरे रहेंगे। और इसकी जो सोयल है वो लूमी सैंडी सोयल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सोयल बनानी चाहिए। बाकी खाद वाद का इतना, बस साल में अगर दो बार हैवी फर्टिलाइज कर दो तो इसके लिए सफिशिएंट है, और कोई ख़ास इसको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, प्रोपोगेशन स्टेम से हो जाती है और बीज से भी सीडलिंग भी की जाती है, प्लांट को मल्टीप्लाई करा जाता है। और बाकी इसकी जो पत्तियां होती हैं वो डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देने वाला प्लांट है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है इसका, जो वास्तु के हिसाब से जो इसका फ़ायदा है वो हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, वैसे तो ये प्लांट, हर कोई प्लांट जो ग्रीनरी है वो खुशबू लाती है, हैप्पी लाइफ लाती है, पॉजिटिविटी लाती है, और मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अगर आपके पास हरे भरे प्लांट है वहाँ पर आप उनकी केयर करते हैं और सब कुछ, तो अच्छा लगता है देखने में। और बोला भी गया है कि ग्रीनरी के बीच में अगर आप रहते हैं, काम करते हैं, गार्डन मेंटेन करते हैं, तो एक लेवल तक स्ट्रेस भी मतलब कम हो जाता है। अगर किसी का होता है तो स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो ये जो प्लांट है इसको सही दिशा में लगाना है अगर, तो साउथ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में इसको लगाया जाता है। इससे क्या होगा, आपके घर में खुशहाली आएगी, आपकी जो विशेज हैं वो हर टाइप की वो पूरी होंगी। तो जो सही डायरेक्शन है वो इसकी साउथ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन है, अगर आप अपने घर में इसको लगाते हैं। बाकी ये कि ये इंडोर भी है और आउटडोर भी है, इसको बहुत ज़्यादा फुल सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्ट सनलाइट में ये चल जाता है। हाँ, इंडोर प्लांट है तो ये आप अगर घर कमरे के अंदर लगाना चाहते हैं तो साउथ फेसिंग जो विंडो होगी कमरे की, वहाँ पर आप इसको रख दीजिए।
वहाँ से इसको छन छन के धूप आती रहेगी और ये प्लांट अच्छा चलेगा। तो साउथ फेसिंग जो घर होगा, साउथ फेसिंग जो खिड़की होगी, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करेगा प्लांट। और आपके घर में, अगर आपके घर में ये प्लांट है, तो रूम में आपके प्लांट है, तो आपकी हैप्पी जो मैरिड लाइफ है वो मेंटेन रहेगी और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और इसके अलावा देखिए, प्लांट तो कोई भी होता है, वो ग्रीनरी ऐड करता है और पॉजिटिव वाइब्स देता है। एक तरफ से आप जो इसका जो मैंने बीज बताया ना आपको, इसका जो बीज होता है फुल स्पेंट होने के बाद, वो स्ट्रेस से, मेंटल स्ट्रेस से राहत दिलाता है। अगर वो उसका पल्प खा लिया जाए तो जामुन की तरह वो लाल रंग का होता है, थोड़ा सा स्पेंट होने के बाद बनता है वो। और मेरे इसमें है नहीं है, मेरे ख्याल में एक देखा भी था मैंने इस प्लांट में, बट वो वीडियो में कवर हो नहीं पाया। मेरे ख्याल में तीन चार प्लांट है मेरे पास, तो एक प्लांट में मैंने देखा भी था। जब डोरमेंसी में आता है, फुल स्पेंट हो जाते हैं, डोरमेंसी का पीरियड जब होता है विंटर का, तब उसमें काफ़ी सारे आपको दिख जाएंगे। इस टाइम कम दिखेंगे क्योंकि इस टाइम ब्लूमिंग का टाइम है और मोस्टली मतलब बंची जाए हुए हैं फूलों के, एक आध एक आध दिख जाता है, लेकिन उस सर्दियों में पूरे पे ही बन जाते हैं क्योंकि उस टाइम डोरमेंसी का पीरियड होता है और ब्लूमिंग बंद होती है, तो हर स्टेम पे आपको दिख जाएगा। तो ये तो था ऐसा, ये नेचुरल बोनसाई बोला जाता है इसको, तो टेबल टॉप जो कामनी होती है वो, उसको नेचुरल बोनसाई बोला जाता है। इससे थोड़ा सा जो बड़ा होता है वो थोड़ी अच्छी हाइट का होता है, उसकी मैक्सिमम हाइट 5 से 7 मीटर जाती है बस मैक्सिमम। और ये नेचुरल बोनसाई होता है, बस इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करते रहिए, इसकी शेप आती रहेगी और इसके अंदर तक जो मेन स्टेम है अंदर तक इसके सनलाइट जाएगी, तो पत्ते ब्राउन नहीं होंगे। बाकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से भी पत्ते ब्राउन होते हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और इस तरह से ये प्लांट अगर आपके घर में होगा तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और हेल्थ के मेडिसिनल वैल्यू भी ये प्लांट रखता है। इसलिए अगर आप विजिट कर रहे हैं नर्सरी की इस टाइम, तो आप ये प्लांट लाकर घर में लगा सकते हैं आराम से। बहुत अच्छा प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है, हार्डी प्लांट है, कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। अगर आपके गार्डन में कम धूप आती है तो भी आइडियल प्लांट है ये आपके लिए, क्योंकि ब्लूमिंग आपको फिर भी देगा ये। और मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ये चल जाता है। तो ये करते करते मेरे पास 4-5 प्लांट है। देखिए, किसी में फुल ब्लूम है और किसी में अभी स्टार्ट हुआ है, और सबकी पत्तियों का कलर डार्क कलर का है और फूलों का रंग वाइट है। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देने वाला प्लांट है। एक बार आपके गार्डन में ये आ गया और अच्छी फ्रेग्रेंस फैला दी, तो आपको वैसे ही मन शांत सा हो जाता है एकदम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिर मिलते हैं नए अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।